हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हिमांशी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिट्स, उसके टाइप्स और उसका स्कोप। ऑल दो ये जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का पार्ट है, बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। नाउ जो ये रिट्स है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसलिए इसको रिट्स बोला जाता है, ये एक लैटिन टर्म है। एंड वॉट आर रिट्स और क्यों ये यूज़ होती हैं, क्या इनका काम है, ये सब ये अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर रिट ज्यूरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है। रिट ज्यूरिस्डिक्शन बेसिकली जब भी किसी इंसान की फंडामेंटल राइट्स अग्रीव होती हैं, या फिर अगर हाई कोर्ट के केस में देखो तो कोई ऑर्डिनरी राइट भी अगर किसी पर्सन की एग्रीव्ड होती है, उसको मिल नहीं रही है वो राइट, ठीक है, तो द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू दीज रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स, ठीक है। सो पांच तरीके की रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, एंड दे आर हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड को वॉरेंटो। ये सभी लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है, तो अभी इनके मीनिंग्स और वॉट डिफरेंट रिट्स किस तरीके किस चीज़ के लिए इशू की जाती हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग वी शुड नो वन थिंग, कि सो प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकते हैं, इन्हीं के पास रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, और जो जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या लोअर और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके पास रिट ज्यूरिस्डिक्शन की पावर नहीं होती है। बट अगर फ्यूचर में इनको एम्पावर करना है या किसी और कोर्ट को अदर देन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एम्पावर करना है टू इशू दीज रिट्स, तो वो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 इट इज़ सेड इट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स एज वेल, बट अभी प्रेजेंटली ऐसा कुछ किया नहीं गया है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये रिट ज्यूरिस्डिक्शन है। अब जो ये रिट ज्यूरिस्डिक्शन है, रिट्स हैं, ये कहाँ से बोरो की गई हैं? इंग्लिश लॉ से, ब्रिटेन के लॉ से, वेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स, वहाँ पे इनको प्रेरोगेटिव रिट्स बोला जाता है। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। दोनों का रिट ज्यूरिस्डिक्शन सेम नहीं है, क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के केस में जो ये पावर मिली हुई है वो आर्टिकल 32 के अंडर मिली हुई है, और आर्टिकल 32 तो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड अगर फंडामेंटल राइट्स किसी पर्सन की एग्रीव की होती हैं तो ही सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं रिट्स, बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट्स जो है वो रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर द एनी अदर पर्पज। हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही, एन्फोर्समेंट के लिए ही रिट इशू नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो डू इट फॉर एनी अदर पर्पज, या कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है उसके एन्फोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का वाइडर है एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इन दोनों के रिट ज्यूरिस्डिक्शन में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट अ पर्सन और अ गवर्नमेंट, ये दोनों के खिलाफ रिट्स इशू हो सकती हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिस्डिक्शन इज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट के इंडिया पूरी इंडियन टेरिटरी में रिट्स इशू कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट के केस में क्या है, जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है वो थोड़ा नैरो है। हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर जो स्टेट का हाई कोर्ट है वो उसी स्टेट के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है, और अगर वो किसी और आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन वो तभी इशू कर सकता है रिट्स अगर जो कॉज है उस एक्शन का, जो वजह है वो अराइज हुई हो उस हाई कोर्ट की टेरिटरी, ठीक है, अगर उस एक्शन की जो बिगनिंग हुई थी वो उस हाई कोर्ट की टेरिटरी में हुई है, देन ओनली इट कैन इशू रिट्स आउटसाइड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पे अगर हम टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के टर्म्स में देखें तो हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है दैट इज नैरो एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 32 के अंडर है, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी
हाल में रिफ्यूज नहीं कर सकते टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिसडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकते रिट्स इशू करने के लिए अगर कोई एग्रीव पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो. बट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट ये रेमेडी प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 226 जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है. तो ये जो पावर है हाई कोर्ट की वो डिस्क्रिशनरी है. इस केस में हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं टू एक्सरसाइज इट्स पावर और वो उनके ऊपर होता है कि वो रिट्स इशू करें या ना करें. ठीक है, सो डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट के पास. तो ये बेसिक डिफरेंस थे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन में. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द रिट्स. सबसे पहला टाइप है हेबियस कॉर्पस. तो ये एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरली अगर मीनिंग देखें तो वो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. टू हैव द बॉडी ऑफ, इसमें बेसिकली क्या होता है प्रोसीजर देखते हैं. हेबियस कॉर्पस में कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है एक पर्सन को. पर्सन के केस में यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज भी हो सकती हैं या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को भी ऑर्डर कर सकता है कोर्ट, जिसने किसी थर्ड पर्सन को डिटेन करके रखा है. सपोज एक पर्सन है, पर्सन में आप पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है. अगर उसने किसी पर्सन को डिटेन करके रखा है, बंदी बना कर रखा है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर इशू कर सकते हैं. कोर्ट क्या ऑर्डर इशू कर सकते हैं, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ लैटर बिफोर इट, कि उस इंसान को कोर्ट के सामने पेश किया जाए. और अगर जो कॉज ऑफ डिटेंशन है, बंदी बनाने की जो वजह है, वो अगर कोर्ट एग्जामिन करेगी और वो अगर इलीगल पाई जाती है तो उस पर्सन को फ्री कर दिया जाएगा. दिस इज हेबियस कॉर्पस. तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको बोलते हैं द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन. किसी भी पर्सन को आर्बिट्ररीली बिना किसी वजह के, ठीक है, ठोस वजह के अगर कोई डिटेन कर सकता करता है तो ये रिट्स कोर्ट इशू कर सकते हैं उस पर्सन को फ्री कराने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं अगर वो लॉफुल डिटेंशन है तो उसके खिलाफ ये रिट्स इशू नहीं होगी. अगर कोर्ट की कंपिटेंसी के बाहर है ये चीज़, कोर्ट उस केस में सपोज इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो मिलिट्री का मामला है और कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो कोर्ट वहाँ पे भी इस चीज़ को रिट्स इशू नहीं कर सकते हैं. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे कोर्ट्स, यू नो, एक्सेप्शंस आर देयर जहाँ पे ये रिट्स इशू नहीं हो सकती है. सो दिस वॉज हेबियस कॉर्पस. और ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी. अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप की जो रिट्स है दैट इज़ मैंडमस. मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड. लिटरल जो मीनिंग होता है इसका, वी कमांड. इसमें क्या होता है जी, कोर्ट है वो कमांड कर सकता है पब्लिक ऑफिशियल को टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. यहाँ पे कमांड है, देखो मतलब से पता चल रहा है वी कमांड. तो कोर्ट यहाँ पे कमांड कर सकता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को. यहाँ पे सिर्फ पब्लिक बॉडी को ही कोर्ट कमांड कर सकता है. पब्लिक बॉडी हो सकती है वो कोई कॉरपोरेशन हो सकती है या कोई कोर्ट, सपोज कोई इंफीरियर कोर्ट हो सकता है. जैसे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कमांड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कमांड कर सकता है, या ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी रिट्स इशू हो सकता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म. कमांड किस तरीके की दी जा सकती है कि आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है जो आप फेल हो गए हो परफॉर्म करना, या फिर आपने मना कर दिया है परफॉर्म करने से. तो यहाँ पे कोर्ट ये रिट्स इशू कर सकते हैं इन दिस केस. अब ये देखते हैं कि ये रिट किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हैं. तो कोर्ट यहाँ पे कमांड किसको नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी को. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स को भी कोर्ट ये रिट्स इशू नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो ये जो ड्यूटी है, ऑल्सो इस एक केस में जहाँ पे ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, वहाँ पे भी कोर्ट्स ये रिट्स इशू नहीं कर सकते. दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ ये रिट्स इशू नहीं हो सकती. ऑल्सो टू एनफोर्स एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, उसके लिए भी ये रिट्स इशू नहीं हो सकती. तो ये केसेस हैं जहाँ पे ये रिट्स इशू नहीं हो सकती और ये पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ही हो सकते, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ये याद रखना. फिर तीसरी टाइप की जो रिट्स है वो है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, ठीक है. ये एक ऐसी टाइप ऑफ रिट है जो काइंड ऑफ कह सकते हो आप प्रिवेंटिव मेजर है, प्रिवेंट करने के लिए. तो जैसे हाई कोर्ट इस केस में क्या होता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को रिट्स इशू कर सकते हैं टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम इट्स नॉट हाई कोर्ट, कोई भी हायर कोर्ट, ठीक है. प्रोहिबिशन के केस में कोई भी हायर कोर्ट है वो किसी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये रिट इशू कर सकते हैं
टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और यू सर्विंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डजंट पजेस। तो हाई कोर्ट, कोई भी हायर कोर्ट, बड़ा कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये रिट्स इशू कर सकता है प्रिवेंट करने के लिए कि वो लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सीड ना करें, या फिर ऐसे जुरिस्डिक्शन में वो ना पड़े जहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन उनके पास नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये इसका मतलब होता है। और ये सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जैसे ट्रिब्यूनल्स, इन्हीं के अगेंस्ट ये जो रिट है ये इशू हो सकती है। सेकेंड इज योर के फोर्थ टाइप ऑफ रिट इज योर सर्श्योरी। सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म और टू बी सर्टिफाइड। ये एक प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेजर है। जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रोविविजन, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, बट सर्श्योरी जो है प्रिवेंटिव भी है एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ये रिट इशू कर सकता है, ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लैटर टू इट्सेल्फ, कि अगर कोई लोअर कोर्ट के पास कोई जो केस है वो पेंडिंग पड़ा है तो वो ट्रांसफर कर सकता है हायर कोर्ट अपने ऊपर। ठीक है, या फिर स्क्वैश करने के लिए ऑर्डर ऑफ द लैटर इन अ केस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। तो तीन ग्राउंड्स पे सपोज किसी लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया किसी केस में, तो उस ऑर्डर को स्क्वैश किया जा सकता है तीन ग्राउंड पे। या तो उस कोर्ट ने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन किया, या फिर देयर वाज अ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, फाइन। और द थर्ड पॉइंट इज एरर ऑफ लॉ। ठीक है, तो इन तीन बेसिस पे जो ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट का वो स्क्वैश कर सकता है हायर कोर्ट। तो ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव है, मतलब अगर किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कोई गलती कर दी है तो उसको सुधारा भी जा सकता है इस रिट्स को इशू करके, और किसी कोर्ट कोई कोर्ट गलती ना करे तो उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो ये समझ आया। अब ये किस किस के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, जुडिशियल अथॉरिटी के भी, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के भी, जस्ट लाइक द प्रोहिबिशन केस, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी। प्रोहिबिशन आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं इशू कर सकते, बट इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी आप रिट्स इशू कर सकते हो, ये वाली सर्श्योरी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी जजमेंट में ये फैसला सुनाया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी सर्श्योरी जो रिट है वो इशू की जा सकती है इन द ईयर 1991। और ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, वो है आपकी लेजिस्लेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी, इनके खिलाफ आप ये रिट इशू नहीं कर सकते हो, सिर्फ इन तीन बॉडीज के अगेंस्ट ही आप ये रिट इशू कर सकते हो। इसके बाद जो फिफ्थ रिट है हमारी और लास्ट रिट है वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोर्ट जो है ये रिट इशू करता है इंक्वायर करने के लिए द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, सपोज एक पर्सन एक पब्लिक ऑफिस को क्लेम करता है और उसको होल्ड करता है, तो उसका जो क्लेम है उसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए ये रिट इशू की जा सकती है। और वो जो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए वो परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए और किसी स्टैट्यूट मतलब लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से वो पब्लिक ऑफिस एस्टैब्लिश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस है वो कोई होल्ड करता है तो उसकी इंक्वायर करने की लीगैलिटी ऑफ द क्लेम कोर्ट इशू कर सकते हैं ये रिट्स। ये किसी भी मिनिस्ट्रियल और प्राइवेट ऑफिस की इंक्वायरी करने के लिए नहीं इशू हो सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट ऑफिस और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। और इस रिट का मेन काम यही है कि इलीगल जो अगर कोई पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करता है कोई भी पर्सन, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिट इशू की जा सकती है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अनलाइक अदर फोर रिट्स जो अभी हमने पढ़ी, इस केस में, इस रिट के केस में, ये रिट कोई भी एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन सोर्ट दिस रिट, नॉट नेसेसरली कि कोई एग्रीव पर्सन है जिसकी राइट छीनी गई है वही इस रिट्स को इशू करवाने के लिए कोर्ट के पास जा सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर एंड आस्क इट टू इशू द रिट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन सो, एंड ऑल्सो शेयर इट दिस विद अदर्स। थैंक यू।